नहीं तेरी ये खुशी कुछ अलग टाइप की लग रही है। लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज जैसा आप सोचेंगे आपके साथ वैसा ही होगा। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं आप इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो, जैसे सबके लाइफ में कुछ ना कुछ क्लैशेस होते रहते हैं। आपके लाइफ में भी क्लैशेस होते ही होंगे, तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं हमेशा करता हूँ, मैं कभी भी किसी से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। जहाँ आप एक्सपेक्ट करेंगे वहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। जैसा बोलते हैं ना कि नो एक्सपेक्टेशन नो डिसअपॉइंटमेंट, तो मैं वही रूल हमेशा फॉलो करता हूँ एंड सिर्फ मैं एक ही इंसान पर भरोसा करता हूँ, वह है मैं खुद पर। तो अगर आप भी लाइफ में कभी ना कभी डीमोटिवेट होते हैं तो सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखिए, बिकॉज आप ही अपने आप को ठीक कर सकते। एनीवेज आज का डे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं स्टोर एंड उसके पहले एक पार्सल आया हुआ है एंड उसका अनबॉक्स करके फिर जाएंगे स्टोर। ऑलराइट गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह सुबह एक पार्सल आ गया एंड मैं चाहता हूँ मैं आपके सामने ओपन करूँ इसको, तो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। थोड़ा नीचे ले ले तनु, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी इसको डिसइनफेक्ट कर दिया है एंड इसके अंदर बहुत सा एक प्रीमियम बॉक्स आया हुआ है। ऐसा ही बॉक्स मेरे पास पहले भी आ चुका है, तो एक बार इसको भी ओपन करते हैं। एंड इसमें आ गया मेंस लैब का पार्सल, जो एक बार पहले भी मैं ओपन कर चुका हूँ आप लोगों के सामने बहुत पुराने व्लॉग में। एंड मेंस लैब जो है बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है, तो इसको ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। वाओ, इसके अंदर मेरे पास सारी चीज़ें फिर से आ गई, जैसे एक इंटीमेट वॉश है, एक हेयर सीरम है जो नया लॉन्च हुआ है शायद, एंड एक वोल्कानिक जो इनका रेंज है जिसमें फेस क्रीम है, साथ ही में फेस मास्क है, फेस वॉश है एंड शैम्पू एंड कंडीशनर है। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है एंड इस वीक में एक बहुत अच्छा सेल आने वाला है जिसमें आपको सारे प्रोडक्ट 149 रुपीज़ में आपको मिलेंगे, तो उस सेल का वेट करिए। एंड थैंक्स अ लॉट मेंस लैब कि आपने मुझे बहुत अच्छा वाला गिफ्ट फिर से दिया हुआ है। एंड इस वीक में जब भी सेल आएगा उसके पहले मैं इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब में पहले से वीडियो पोस्ट कर दूंगा, जिससे आपके मन में काया तुम मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रही है, इधर आ, तुमको आना तो जल्दी आ जाओ, मैं कुछ बोल रहा हूँ। तो थैंक्स अ लॉट मेंस लैब कि आपने फिर से मुझे सेंड किया। एंड गाइस, इसका लिंक मैं इंस्टाग्राम पे दे दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिससे आप डायरेक्ट जाके चीजें परचेस कर सकते हैं। पिछले बार तो जितने भी सोप मिले थे मुझे अच्छे अच्छे सब काया ने गायब कर दिए। कहाँ गए तुम्हारे सोप? नहा लिया क्या? मेरे को तो एक भी सोप सिर्फ ब्लैक वाला मैंने यूज किया था, तुमने तो ब्लू चाहिए येलो चाहिए सब बोल के सब ले लिया था। बहुत ही अच्छे प्रीमियम प्रोडक्ट्स रहते हैं। इसकी पैकेजिंग का एक बार सिनेमैटिक आपको लेके दिखाता हूँ तब आपको समझेगा। ये क्या क्या कर रही हो तुम्हें? ब्रेन आउट गेम? ये एक टाइप का गेम है। क्या होता है उससे? ब्रेन आउट हो जाता है क्या? तुम्हारा आउट हो गया क्या दिमाग? कहाँ है दिखाओ। गेम होता है। अच्छा, मेरे को तो लगा ब्रेन आउट गेम मतलब ब्रेन निकल जाएगा तुम्हारे दिमाग से। है क्या तुमको ब्रेन? इधर देख के बात करो। हाँ। कितना है? बहुत है। ग्राम में बताओ। मेरा रुमाल है इधर। हाँ? क्योंकि मुझे तो 100 ग्राम होगा तुम्हारे पास मेरे ख्याल से। 100 ग्राम है कि नहीं? है, है। चलो बाय, मैं जा रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, सो मैं दिन भर स्टोर पे था, कुछ लोग आए हुए थे बट कुछ परचेज नहीं किए, बस देख के चले गए। तो अभी मुझे कुछ चीजें परचेस करने जाना है एंड मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट रखा हुआ था क्या इस चैनल पे मुझे गिव अवे करना चाहिए, तो ज्यादातर लोगों ने बोला कि हाँ करना चाहिए। तो आज थोड़ी देर बाद आपको मैं गिव अवे के रूल्स बताऊंगा एंड बहुत अच्छा खासा एक गिव अवे होने वाला है, तो चलिए और चल के जाके शॉपिंग करके आते हैं। तो जेजे भी आ गया मेरे साथ एंड जेजे तो आजकल आता कि नहीं मिलने के लिए? कोविड है और काफी ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो लेकिन तू तो बराबर घूम रहा है, घूम रहा है दिखता रहता तेरे। एनीवे मैं कहीं नहीं घूम रहा, मैं सिर्फ काम के लिए जाता हूँ। अच्छा। और कभी कभी आ जाता हूँ। लेकिन मेरे को थोड़ी कोविड है, तो मेरे को तो मेरे साथ कौन सा गले मिल रहा है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कोविड नहीं है। घर से आता, मैं घर से आता, कहीं बाहर और घूमने थोड़ी जाते। मुझे कुछ शॉपिंग करने के लिए चीजें दी हुई थी लेकिन आधी चीजें मिल नहीं रही है मुझे अभी तक। मैंने ऑर्डर कर दिया एज वो सारी चीजें लोग नहीं लेते,
बट जो भी चीजें मुझे चाहिए वो मैं देख लेता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। अगेन वाला कुकीज तो मुझे लेना है बिकॉज बहुत टेस्टी था। उन्होंने मुझे बताया था कि उसके लिए पिज्जा सीजनिंग लेना है, कौन सा वाला लेना है, पास्ता सीजनिंग, पिज्जा वाला तो मुझे दिख नहीं रहा है। एंड मैंने जो शुगर फ्री बिस्किट लिया था वो भी नहीं है, तो भैया ऑर्डर कर रहे तो कल परसों तक मिल जाएगा। कुछ भी शॉपिंग करने के लिए आए तो काया के लिए कुछ लेना बहुत जरूरी है। एंड उसको चॉकलेट देख के दिमाग खराब हो जाता है, तो उसका फेवरेट चॉकलेट लेके जाता हूँ बबली, एंड वो खुश हो जाएगी। फिर भी मुझे लेना है एक लेवेंडर फ्लेवर का दिख रहा है, एक बार ट्राई करते हैं। एंड ये दो वाला भी ले जाता हूँ, आजकल मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए। ऑलमोस्ट मेरी सारी शॉपिंग कम्प्लीट हो चुकी है एंड कुछ कुछ चीज़ें बची है तो लिखा देता हूँ, कल परसों तक मिल जाएगा। विवेक भैया को मेरी रिक्वायरमेंट बता दिया मैंने, विवेक भैया जल्दी से ला दीजिए। वो चीज़ चाहिए एज ए तनु ने होम कुकिंग का चालू किया ना बिजनेस, तो उसके लिए पिज्जा भी बना रही हो, ठीक है? तो विवेक भैया इतने अच्छे, जो भी मैं बोलता हूँ वो ला के दे देते हैं एक दिन में। तो थैंक्स अ लॉट विवेक भैया। जे तू आज बड़ा खुश दिख रहा है, कहाँ जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक शूट में। तेरे 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 स्माइल में कुछ तो खोची है। गाइस आप लोग कमेंट करना, कोई जब तक ऐसे हंसता था उसका मतलब क्या होता है? क्या है? नहीं मुझे तो कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है कि तू कुछ हंसता। फाइनली शूट कर रहा है, बहुत अच्छा है वो। नहीं तेरी ये खुशी कुछ अलग टाइप की लग रही है। Alright, so मेरी शॉपिंग हो गई एंड मैं स्टोर पे वापस आ गया हूँ। एंड अब बात रही गिव अवे की, तो जैसे हमारे चैनल में 5000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, जो बहुत छोटा नंबर होता है कम्पेयर टू माई मेन चैनल, लेकिन 5000 सब्सक्राइबर भी बहुत होते हैं। एंड मुझसे मेरे यहाँ की जितने भी पब्लिक है बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ये समझ में आता है बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग करते हो। एंड एक कमेंट मुझे कल रात को किसी ने किया कि भैया जल्दी वीडियो पोस्ट करा करिए, नहीं तो बिना लाइक किए वीडियो को फिर सोने में नींद अच्छी नहीं आती है। तो थैंक्स अ लॉट कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो। एंड जिन्होंने भी कमेंट किया हुआ है उनका पिन कर दिया मैंने कमेंट, एंड आप लोग सब वीडियो देखते हो, बहुत अच्छा लगता है। अब बात रही गिव अवे की, तो इसमें एक नहीं दो गिव अवे रहेगा एंड स्पेशली नागपुर के लोगों के लिए, बिकॉज जो भी गिव अवे विनर रहेगा वो मेरे स्टोर से आके कलेक्ट कर लेगा अपने गिव अवे। तो इसके लिए आपको सिंपल सा रूल है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे एक अच्छा सा कमेंट करना है। कोई भी कमेंट कर सकते हैं, बुरा भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड साथ ही में मुझे एंड मेंस लैब को आपको इंस्टाग्राम में फॉलो करना है, बस इतना ही करना है। एंड उसमें से क्या रहेगा, एक चूज करूंगा मैं जो मेरा लॉयल सब्सक्राइबर है, जो मेरे साथ शुरू से है, उनमें से जो भी एक रहेगा उसको चूज करूंगा। एंड एक आप में से कोई भी रैंडम रहेगा, तो इसमें कोई भी मैं वो नहीं करूंगा कि अपने पहचान वाले को गिव अवे कर दूं, लेकिन एक जो मेरा लॉयल सब्सक्राइबर ऐसा रहेगा जो मेरे साथ शुरू से है, जो मेरे मेन चैनल को भी फॉलो करता है, यहाँ पर भी फॉलो करता है, एंड एक जो सब्सक्राइबर रहेगा वो रैंडमली मैं किसी को भी चूज कर लूंगा एंड वो आके अपना गिव अवे लेके जा सकता है। तो नेक्स्ट वीक मैं इंस्टा स्टोरी पे उसको पोस्ट कर दूंगा जो भी विनर रहेगा। तो बहुत ही सिंपल सा रूल है कि मुझे ये वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक कमेंट कर दीजिए एंड इंस्टाग्राम में मुझे एंड मेंस लैब के पेज को आपको फॉलो करना है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं इजीली, तो हो जाएगा, बहुत इजी सा रूल है। एंड इन फ्यूचर जब 10K होगा तो और बड़ा गिव अवे करेंगे हम लोग, एंड दिन ब दिन जब और बड़ा चैनल होते रहेगा तो बड़े बड़े गिव अवेज रहेंगे, जैसे मैंने मेन चैनल पे बहुत बड़े बड़े गिव अवेज कर चुका हूँ, तो इस चैनल पे भी जरूर करूंगा। एनीवेज अभी वीनू का वेट करो, वीनू आने वाला है, तब जाके थोड़ा सा घूम घाम के आएंगे। आजकल मुझे बाइक में घूमना बहुत पसंद है। तो मेरा स्टोर क्लोज करने का टाइम आ गया एंड मेरा एक फेवरेट पर्सन आया हुआ है जिसका नाम है अथर्वा, पिछले हफ्ते भी आया था मिलने के लिए, तो थैंक्स अ लॉट अथर्वा। और ब्लॉग्स तुम डेली डाल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आज किस चीज का ब्लॉग बना? सर आज बस ऐसे रैंडम ब्लॉग, मोटा ब्लॉग ना, कुछ ना कुछ बनाओ लेकिन रोज बनाते जाओ। आपका नाम क्या है? अच्छा ऑलवेज लाफिंग इंस्टाग्राम। अच्छा ठीक है, तो इन लोगों को फॉलो कर देना आप लोग, अथर्वा को भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अथर्वा आप सर्च करोगे तो बता दे एक बार, अथर्वा ठुमरे आप सर्च करोगे तो आ जाएगा। और ये भी रोज के रोज कंटेंट बना रहा है, हमारे नागपुर को ऊपर लेके जा रहा है, तो आप लोग भी इनको प्यार देना। आपका नाम भी बता दो। निकेश बारे। अच्छा आप भी यूट्यूबर हो? नहीं अथर्वा के पार्टनर, ये यूट्यूबर है ना, हमारा भी चैनल है। तुम्हारा किस चीज का चैनल है? बस रैंडम वीडियो से। अच्छा कुछ भी वो नहीं बना, थीम नहीं बना है। एनीवेज आप सब लोग इन सबको प्यार दीजिए एंड ये मिलने आ रहा है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज बोरिंग डे होता है, कोई आता नहीं है तो अच्छा नहीं लगता। एंड इन लोग घूमते घामते पहुंच गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। नहीं नहीं सर, थैंक यू सर, हमारा भी कंटेंट बन जाता है और सर का भी कंटेंट। वैसे कॉन्सेंट्रेट करके क्या कर रही हो? लिख रही हो और क्या? पढ़ाई कर रही हो? मन लगता है क्या पढ़ाई में? हाँ। दिखाओ क्या पढ़ रही हो, क्या लिख रही हो तुम आज? इधर जू के, जू में जो
देखो आप ही देख लो बोर्ड दिखा दो, राइटिंग तो दिखाओ। अरे ये तो बहुत अच्छी राइटिंग है, मेरे से भी अच्छी राइटिंग है। मैं क्या सोच रहा था का है कि मैं गिली गिली छू करूं, तो करूं कि नहीं करूं? करूं। कैसे करूं बताओ मुझे को है? तुमको नहीं पता गिली गिली छू कैसे होता है? करता है। ताक बंद करो। बॉल आवरा काला आवरा गिली 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 क्या मिला? खुशी नहीं हुई आज तुमको? एक बार खुशी दिखाओ तो सही, एक बार दिखा जोर से खुशी, खुश होके हिप्पी बोल। सो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आपको मोटिवेशन कहाँ से आता है कि आप घर पे भी वर्कआउट कर लेते हो। ऐसे हम लोग जब तक जिम में नहीं जाते तब तक मज़ा ही नहीं आता। गाइस ये जो है एक काम नहीं है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हाँ मुझे एक घंटा वर्कआउट करना है, ये काम लेते हैं। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल बनानी है, आपको हर चीज़ में मज़ा आना चाहिए। जैसे आप लोग खाना खाते हैं, आप लोग घूमते हैं, तो सेम वे में वर्कआउट को भी आपके लाइफस्टाइल में आपको शामिल करना पड़ेगा। एंड आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए एक वीडियो आप सबके लिए, इसको देखिए एंड एंजॉय करिए। फाइनली मेरा वर्कआउट खत्म हो गया, पूरी तरीके से गीला हो गया। एज जिम में एसी रहती है लेकिन मेरे ड्राइंग रूम में एसी नहीं है, तो मैं गर्मी में वर्कआउट करता हूँ। एंड पुराने दिनों के याद ताज़ा हो गया, जैसे मैं पहले लोहा लक्कड़ वाले जिम में जाता था ना, तो वैसी ही फीलिंग आती है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। एनीवेज फिर से मैं आबरा का डाबरा करूँगा, कोई आ जाएगा आबरा का डाबरा गिली 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 छ। अच्छा का एक बात बताओ, आज जब मैंने देखा तुमको, तुम्हारी शिशी ने बहुत जम के क्लास ले ली तुम्हारी? नहीं देख रहा हूँ, कब से पढ़ाई कर रही हो तुम? हाँ। आज मैं जब आया 2-3 घंटे हो गए, आज बहुत होमवर्क था क्या? हाँ, वाट लग गई क्या? वो नहीं, आज ना वो जूम में कितने सारे रूल्स होते हैं। अच्छा अच्छा, वो फॉलो करने पड़ते हैं ना। हाँ। थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए काया आप लोगों को बाय बाय करने के लिए आ गई है। अनकाया वो बबली खा लिया क्या तुमने? बबली नहीं खाया क्योंकि अभी पढ़ाई कर रही थी ना। ओ तुम पढ़ाई में काया बिजी थी इसलिए बबली भी नहीं खाए? वो हार्ड वर्क कर रही है मतलब। बुआ बोलती है कि अगर अगर खाने का टाइम पढ़ाई करोगे तो नहीं चलेगा, और अगर पढ़ाई का टाइम खाओगे तो कैसे चलेगा। सही बात है। एनीवेज वीडियो को यही खत्म करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस, कीप पंपिंग, कीप पंपिंग।